किया था, हमारे चीफ मिनिस्टर ने, हमारे एमएलएओं ने, मिनिस्टरों ने सभी मिलके आपके वायदे पूरे किए, बल्कि ज्यादा भी दिए। इसीलिए आपका यह फर्ज होता है कि इन कार्यक्रम को लोगों तक पहुंचाना, घर घर पहुंचाना, तभी कुछ हमारी आगे काम पहुंची है चुनाव के लिए। नहीं तो घोषणा पत्र हम पढ़ लेंगे, घर घर देने के बजाय अपने घर में रख लेंगे, तो पार्टी का प्रचार नहीं होगा। एक दूसरे को रुसने का वक्त नहीं है, ये देश को बनाने का वक्त है, डेमोक्रेसी को बचाने का वक्त है, संविधान को बचाने का वक्त है। इसलिए हम सबको उठना है। ये किसी एक व्यक्ति का नहीं है या किसी एक कौम का नहीं है, ये लड़ाई हम जो मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ जो लड़ रहे हैं, वो सारे देश के 140 करोड़ लोगों के हकूक के हिफाजत के लिए कर रहे हैं। हम सिर्फ बीजेपी से ही नहीं लड़ रहे, हमारी लड़ाई, हमारे पास अगर कांग्रेस का एक कैंडिडेट है, बीजेपी का एक कैंडिडेट होगा। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। मोदी जी क्या किए, हमारे खिलाफ दो तीन कैंडिडेट खड़ा करते हैं। एक तो बीजेपी का कैंडिडेट, दूसरा ईडी का कैंडिडेट, तीसरा सीबीआई का कैंडिडेट, चौथा इनकम टैक्स का कैंडिडेट। इतने कैंडिडेट हमारे खिलाफ खड़े करते हैं। इन सबको मात करके हमको जीतना है, क्योंकि जब चाहे तब वो सीबीआई लगा देंगे, ईडी लगा देंगे। हमारे जब सम्मेलन होते हैं, हमारे जब कार्यक्रम होते हैं, दूसरे दिन ही छापा पड़ता है या उसी दिन छापे डालते हैं। अगर कल हमारा एक संगठन के तौर पर मीटिंग है, तो तब उसके पहले एक दिन हमारे ऊपर छापे देते हैं। क्यों? ये क्या डेमोक्रेसी है? और ऊपर से बोलते हैं डेमोक्रेटिक है, हम बहुत काम जो लोकतंत्र के अनुसार करते हैं। कहां है भाई लोकतंत्र के अनुसार तुम्हारा? हर जगह आप लोगों के ऊपर डरा धमका के आप काम कर रहे। और दूसरी चीज, ये सब देखने के बाद आप दोबारा हमारी सरकार यहां राजस्थान में लाएंगे तो मैं इस पर समझ जाता हूं कि आप लाने हो, और हम लोग आपके साथ हैं। क्यों है? कि आप लोगों का काम कर रहे हो, इसलिए हम आपके साथ हैं। और जब तक सब हम मिलके डिसिप्लिन के साथ हमको काम करना है, और एकजुट अगर नहीं रहते, हम बड़े मुश्किल में हम जाते हैं। इसीलिए मैं एक बात कहूंगा, किसी शायर ने यह कहा है, एक पल रुकने से दूर हो गई मंजिल, एक पल रुकने से दूर हो गई मंजिल, सिर्फ हम ही नहीं रास्ते भी चलते हैं। तुम रुक जाओ तो वहीं खड़े हो जाएंगे, अगर चलते रहेंगे तो रास्ते भी चलते रहेंगे। तो इसीलिए दोस्तों, मेरा कहना है
छोटी मोटी बातें भूल। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़।